सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। इंग्लिश के शानदार कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स, वे वर्ड्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी वर्ड्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। उनके एंटोनिम्स देखते हैं, उनके सिनोनिम्स देखते हैं और उसके साथ ही एसएससी के पुराने क्वेश्चंस लेते हैं, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस हों, चाहे वो वन वर्ड हों, चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेज हों, किसी भी प्रकार के जो क्वेश्चंस आपको एसएससी में पूछे जाते हैं, वे पुराने क्वेश्चंस हम इस सेशन में लेते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अभी सब लोग इसको शेयर कर दें। बहुत शानदार सेशन होने वाला है, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। और आज भी यदि कोई बच्चा इसको पूरा नहीं देखता है, इतने शानदार सेशन को पूरा नहीं देखता है, इसका मतलब वो इंग्लिश नहीं सीखना चाहता है, इसका मतलब वो एसएससी पास नहीं करना चाह रहा है। तो मैं आप लोगों को बीच बीच में बार बार कहूँ कि आप इसको शेयर कीजिएगा, आप इसको लाइक कीजिएगा, तो थोड़ा फ्लो टूट जाता है उससे और हमारा पढ़ने का मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं कहने वाला हूँ। अभी मैंने आप लोगों को कह दिया कि आप इसको फटाफट एक मिनट में अभी फटाफट सब लोग इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें और सब लोगों तक इसको पहुँचा दें, ताकि हम क्लास को बहुत अच्छे ढंग से इसको कंटिन्यू कर पाएँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सब जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू वोकैबुलरी और एसएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं। ये आज का हमारा सेशन रहेगा। आप जानते हैं सब लोग कि ये हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा और ये टेलीग्राम चैनल। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से इसकी पीडीएफ लें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें और आगे के लिए भी अपने आप के पास ये पीडीएफ सुरक्षित रखें, ताकि आप इसका समय समय पे रिवीजन कर सकें। इसलिए हम इसको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देते हैं। यदि आपने टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश इसको आप सब्सक्राइब कर लें। अब शुरुआत करते हैं हम आज के स्टार्टर थॉट से। बहुत शानदार थॉट है। स्टार्टर थॉट का मतलब वो थॉट जो हमें स्टार्ट देता हो, वो थॉट जो हमें जोश और उमंग देता हो। देखिए क्या है, बी रियलिस्टिक अबाउट द प्रेजेंट। आप सब लोगों को रियलिस्टिक रहना है, वास्तविक रहना है। सब लोगों को क्या रहना है, एकदम हकीकत से वाकिफ रहना है। बी रियलिस्टिक अबाउट प्रेजेंट, प्रेजेंट के बारे में आप लोगों को बिल्कुल रियलिस्टिक रहना है, यानी आपको आपकी हकीकत का पता होना चाहिए। आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि आपको अभी अंग्रेजी की तैयारी करने की आवश्यकता है। आपको इस बात को सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी मुझे रोज़ाना इंग्लिश कम से कम 2 घंटे इंग्लिश रोज़ाना मुझे पढ़नी है। इस बात को आप स्वीकार कर लें, ये आपके, इसलिए आपको प्रेजेंट के बारे में रियलिस्टिक होना है। एंड मैक्सिमाइज, क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है योर पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर के लिए अपनी पोटेंशियल को, अपनी योग्यता को, अपनी संभावनाओं को, अपनी क्षमताओं को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना है। और वो मैक्सिमम लेवल तक कैसे लेके जाया जा सकता है, कल हमने देखा था सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन के माध्यम से हम अपनी क्षमताओं को मैक्सिमम तक लेके जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट में बोर हो गए पढ़ते हुए, 10 मिनट में बोर हो गए, नहीं, आप में बहुत क्षमताएँ हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मुझे विश्वास है आप सब लोगों पे कि आप में बहुत क्षमताएं हैं, आप में बहुत हिम्मत है, आप बड़ी से बड़ी जॉब ले सकते हैं। बस अपने आप को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाइएगा, अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कीजिएगा। तो ये था हमारा शानदार कॉट और अब हम आज का शुरू करते हैं। आज हमने एंटोनिम्स देखे हैं, एसएससी के पुराने पेपर्स में आए हुए एंटोनिम्स को आज हम देखेंगे, अपोजिट वर्ड्स को देखेंगे, उल्टे शब्दों को देखेंगे। और ये शब्द जो आए हुए हैं, ये आए हुए हैं एसएससी सीजीएल, देखो यहाँ आए हुए हैं एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2013 में आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। दोनों तीनों जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से हमने लिए हैं यहाँ से। और फिर देखिएगा इनको कितने शानदार ढंग से हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको बहुत मजा आने वाला सेशन में।
पहला वर्ड जो है वो है कंट्रोवर्सियल। कौन सा वर्ड है? कंट्रोवर्सियल। इसी से एक वर्ड बनता है कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है? विवाद होता है। और कंट्रोवर्सियल का मतलब होता है विवादित। कंट्रोवर्सी नाउन होता है, कंट्रोवर्सियल ये एडजेक्टिव होता है। विवादित जिसको आप लोग कहेंगे, जिसमें कंट्रोवर्सी हो, उसको आप क्या कहेंगे? विवादित कहेंगे। तो पहला जो हमारा वर्ड है वो कौन सा है भाई? कंट्रोवर्सियल वर्ड है। अब आपको देखने हैं कि इसके चार ऑप्शन दिए जाते हैं, सब जानते हैं। कौन सा वर्ड इसका अपोजिट वर्ड है? पहला वर्ड है अनसर्टेन। अनसर्टेन आप सब जानते हैं, अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित होना। दैट इज नॉट श्योर, जो क्या नहीं हो, श्योर नहीं हो, वो क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसके बाद देखिएगा डुबियस, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, डुबियस। उसके बाद में अनडिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट का मतलब भी विवाद होता है। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? विवाद होता है। डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड का मतलब विवादित होता है। और अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं हो, उसको क्या कहते हैं? अनडिस्प्यूटेड कहते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपका आंसर तो आपको मिल गया होगा। ये विवादित और अनडिस्प्यूटेड का मतलब किसी प्रकार का विवाद नहीं होना। तो इसका सही आंसर तो क्या हो गया? सी हो गया। लेकिन बेटा वर्ड पावर तैयार करने का ये तरीका नहीं होता है। वर्ड पावर तैयार करने के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स देखने होते हैं, इधर उधर से सभी प्रकार के वर्ड्स देखने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है ये शब्द आए, इसका कोई सिमिलियर वर्ड और आ सकता है। देखिए हम कैसे देखेंगे। डी ऑप्शन है क्वेश्चनेबल। क्वेश्चनेबल जिसपे क्वेश्चन किया जा सके उसको क्वेश्चनेबल है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स। अब देखेंगे हम इसमें, ये वर्ड आता है आपको सर्टेन अनसर्टेन, इसलिए इसका कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड ये भी आता है, क्वेश्चनेबल अनक्वेश्चनेबल ये भी आता है। एक वर्ड जो आपको नया मिला इसमें, मैं मानता हूं कि आपके लिए नया होगा ये, वो वर्ड कौन सा बेटा? ये है डुबियस वर्ड। कौन सा? डुबियस। बोलिएगा मेरे साथ आप लोग एक बार, डुबियस वर्ड है। डुबियस का मतलब क्या होता है? ये हमने आप लोगों के लिए यहाँ लिख दिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाए। देखो ड्यूबियस का मतलब होता है नॉट श्योर। नॉट श्योर का मतलब अनसर्टेन। इसका मतलब ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिमिलियर वर्ड्स हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स वर्ड्स हैं ये, अनसर्टेन और कौन सा? ड्यूबियस वर्ड। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ड्यूबियस का मतलब होता है अनसर्टेन या नॉट श्योर। लेकिन ड्यूबियस का एक मतलब और भी होता है डिसऑनेस्ट, बेईमान जिसको आप लोग कह सकते हैं, जिसमें बेईमानी हो, ठीक है, जो ऑनेस्ट नहीं हो, जो साफ सुथरे तरीके से नहीं किया गया हो, उसको भी क्या कहते हैं? डुबियस कहते हैं। तो दोनों मीनिंग आपको याद रखने, पहला कौन सा डुबियस का? नॉट श्योर अनसर्टेन। दूसरा कौन सा रखना है? डिसऑनेस्ट। डुबियस डिसऑनेस्ट, डुबियस डिसऑनेस्ट, इस तरीके से आप वर्ड को याद रख लेंगे। कैसे याद रखेंगे देखिएगा, आई एम वेरी डूबियस, मैं बहुत अनसर्टेन हूँ। आई एम वेरी डूबियस, दो तीन चार बार वर्ड को देखो, शब्द आपको तभी याद रहेगा बेटा जब शब्द को आप सेंटेंस में यूज करेंगे और उस सेंटेंस को कम से कम एक दो बार आप उनको यूज कर लेंगे। देखो वर्ड पावर तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई लोग रूट वर्ड से तैयार करते हैं, अच्छा तरीका है। नोमनिक से तैयार करते हैं, अच्छा तरीका है। लेकिन याद तभी रहेंगे जब आप उनको बार बार याद करोगे, तब उनको सेंटेंस में रखोगे, तभी तो याद रहेंगे, बिना सेंटेंस के कैसे याद रहेंगे। तो हमने इसके सेंटेंस बनाए हैं, आई एम वेरी डूबियस, मैं बहुत अनसर्टेन हूँ, यानी बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ वेदर आई शुड डू इट और नॉट, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, डोंट बी डूबियस, डूबियस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी सर्टेन, निश्चित हो जाओ। यू हैव टू प्रिपेयर वेल, आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। मैं बताता हूं, देखो आपको और सेंटेंस, आप ये कह सकते हो आई एम नॉट डूबियस, आई एम नॉट डूबियस अबाउट माई सक्सेस, मुझे मेरी सक्सेस के बारे में कोई शक नहीं है, मुझे मेरी सक्सेस के बारे में कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह से क्या हूं? सर्टेन हूं। आई एम नॉट डूबियस अबाउट माई
सक्सेस, आई एम नॉट डूबियस अबाउट माई रिलेशंस, मैं अपनी रिलेशंस के बारे में अनसर्टेन नहीं हूं। तो इस तरीके से आपको डूबियस वर्ड याद रहना चाहिए। क्या वर्ड था बोलिएगा एक बार फिर से? डूबियस। बेटा मेरा दावा है ये कि मैं आप लोगों को इस सेशन के दौरान कम से कम 50 वर्ड्स याद करवा दूंगा, एटलीस्ट 50 वर्ड्स याद करवा देंगे। बहुत शानदार सेशन होने वाला है। यदि आज भी किसी बच्चे ने इसको पूरा नहीं सुना, वीडियो को पूरा नहीं देखा, बीच में छोड़ने का उसका मन किया, इसका मतलब उसको अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं पढ़ना चाहता है, उसकी तैयारी नहीं होने वाली है। जो तैयारी करते हैं वो बच्चे इसको 1 सेकंड भी स्किप नहीं कर सकते। इतना शानदार वीडियो है, बहुत मज़ा आने वाला है। बस आपकी सफलता एक कदम दूर है, बस आपकी सफलता एक कदम दूर है। आप इस कदम को बहुत मजबूती से उठाइएगा, इस तैयारी को आप बहुत मजबूती से लेके चलिएगा। मात्र 2 महीने 3 महीने अच्छी तैयारी कर लो, उसके बाद जिंदगी भर मजे करेंगे। डूबियस दूसरा था। डूबियस का मतलब डिसऑनेस्ट। तो डूबियस फाइनेंशियल डीलिंग्स, डूबियस का मतलब डिसऑनेस्ट फाइनेंशियल डीलिंग्स। फाइनेंशियल का मतलब होता है वित्तीय, डीलिंग्स का मतलब सौदाबाजी, यानी जो वित्तीय सौदाबाजी की थी वो क्या नहीं थी? सही नहीं थी, ऑनेस्ट नहीं थी, क्या थी? डूबियस थी। तो डूबियस को आप वर्ड को याद कर लेंगे। अब देखो बेटा इसमें आपने क्या याद किया आज? आज हमने कंट्रोवर्सियल याद किया। कंट्रोवर्सियल से क्या बनता है? कंट्रोवर्सी बनता है। अनसर्टेन याद किया, डूबियस याद किया। डूबियस और अनसर्टेन एक दूसरे से हैं। डिस्प्यूटेड याद किया, अनडिस्प्यूटेड याद किया, क्वेश्चनेबल याद किया, और उसके बाद में हमने इनके लिखे। उसके बाद देखिए दूसरा वर्ड जो आज का है वो देखिएगा। दूसरा वर्ड क्या है? नरिस। इसको न्यूरिस नहीं कहते, पहला तो ये ध्यान रखना। नरिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नरिस। और नरिस का मतलब होता है किसी का लालन पालन करना, पालना होता है, पोषण देना होता है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा नरिशमेंट, पढ़ा होगा आपने, नरिशमेंट होता है। NOURISHMENT, नरिशमेंट पढ़ा हमने। नरिशमेंट का मतलब होता है उसका पोषण, जिसको आप लोग कहते हैं। तो नरिश ये वर्ब है, क्रिया है ये, ठीक है? इसका मतलब होता है पोषण देना। स्ट्रेव, स्ट्रेव का मतलब होता है भूखा मरना। क्या होता है ये? भूखा मरना होता है इसका मतलब। तो निश्चित रूप से ये इसका ऑपोजिट हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ? पोषण देना, और इसका मतलब भूखा मरना। तो ये एक दूसरे के क्या हो सकते हैं? ऑपोजिट वर्ड हो सकते हैं। इसलिए आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आंसर मिलना नहीं है, हमारा मकसद तैयारी करना नहीं है, हमारा मकसद सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन तक तैयारी करनी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जी मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी के लिए पढ़ रहा हूँ। कोई भी बच्चा तैयारी के लिए वीडियो नहीं देखे, सभी बच्चे सिलेक्शन के लिए वीडियो देखें। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक मैं आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ, और उसके बाद भी आपके साथ रहने वाला हूँ। तो आप लोग अपने आप को क्या करें? न्यूरिस करें। अपने आप को क्या करें? बोलिएगा क्या करें? अपने आप को न्यूरिस करें। किससे? फिजिकली भी करें और मेंटली भी करें। मेंटली न्यूरिस का मतलब होता है अपने दिमाग में बहुत शानदार शानदार वर्ड्स को फीड करें, तब आपको क्या मिलेगा? मेंटल न्यूरिशमेंट मिलेगा। आपको अपने दिमाग की क्या मिलेगी? पोषण मिलेगी। और अभी हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं भाई? न्यूरिशमेंट ले रहे हैं ना। तो न्यूरिशमेंट का मतलब होता है पोषण। स्ट्राइव का मतलब होता है भूखा मरना। उसके बाद देखिए फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब क्या होता है देखेंगे अभी। सस्टेन तीसरा वर्ड है, सस्टेन। और चौथा वर्ड है स्ट्रेंथन। इस वर्ड को पहले देख लें, आपको आता होगा ये वर्ड निश्चित रूप से। स्ट्रोंग वर्ड होता है एक, STRONG, स्ट्रोंग। स्ट्रोंग का मतलब होता है मजबूत। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इस जब एडजेक्टिव की आपको क्या बनानी पड़े? क्या बनानी पड़े बेटा? वर्ब बनानी पड़े। तब इसकी आप वर्ब बनाएंगे स्ट्रेंथन, STRENGTHEN। क्या बनाने वाले हैं? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी आदमी को ताकत देना, किसी आदमी को मजबूत बनाना, उसको कहते हैं स्ट्रेंथन। तो ये भी इसका कोई मतलब नहीं है, ये वर्ड हमने देख लिया। दो वर्ड आप लोगों के लिए नए हो सकते हैं, एक फॉस्टर और एक कौन सा? सस्टेन। दोनों वर्ड को हम
बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखो फॉस्टर का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए, आपने एक बार पढ़ा होगा फॉस्टर चाइल्ड, पढ़ा है कभी? FOSTER, फॉस्टर चाइल्ड, गोद लिए हुए बच्चे को क्या कहते हैं? फॉस्टर चाइल्ड कहते हैं, गोद लिए हुए बच्चे को फॉस्टर। तो फॉस्टर का मतलब भी होता है लालन पालन करना, किसी आदमी की हेल्प करना, किसी आदमी को साथ देना, उसको कहते हैं फॉस्टर कहते हैं। इसका मतलब SSC का एक पैटर्न हमने देखा है, क्या पैटर्न देखा भाई? उसी क्वेश्चन में आपको सिमिलियर वर्ड भी मिलेंगे और उसी क्वेश्चन में आपको क्या मिलेंगे, अपोजिट भी मिलेंगे। इसलिए कई की बार यदि हम ठीक से नहीं समझ पाते हैं तो हम उसको सिमिलियर को क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। जिस तरीके से न्यूरिस का मतलब क्या होता है, फॉस्टर होता है, और सस्टेन का मतलब भी यही होता है। ये देखिएगा, सस्टेन, फॉस्टर और न्यूरिस, ये तीनों एक दूसरे के सिमिलियर वर्ड हैं, और इसका ऑपोजिट वर्ड कौन सा है, स्ट्रेव है। ठीक है, तो इस तरीके से SSC अक्सर, देखो इस क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था, दो वर्ड सिमिलियर थे, एक ऑपोजिट वर्ड था और एक कोई अन्य शब्द था। इसमें भी यही पैटर्न है, दो शब्द क्या है, सिमिलियर वर्ड है, एक क्या है, अपोजिट है, और एक कोई अन्य शब्द होता है। तो फॉस्टर के देखिएगा आप लोग, फॉस्टर का मतलब होता है टू हेल्प करना किसी की, इनकरेज करना, फॉस्टर का मतलब क्या होता है, इनकरेज करना। उसके बाद में टू ब्रिंग अप होता है, ब्रिंग अप का मतलब लालन पालन करना होता है, ये फ्रेजल वर्ब है, बहुत शानदार फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। सी वॉज ब्रॉट अप BROUGHT, सी वॉज ब्रॉट अप बाई हर अंकल, उसके अंकल ने उसका लालन पालन किया है। तो ब्रिंग अप, इस फ्रेजल वर्ब को आप अच्छे से देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब से कम दो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा मुझे। आपको क्वेश्चन बनाने आते हैं, सेंटेंस बनाने आते हैं, जरूर लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा, टू फॉस्टर ए होमलेस चाइल्ड, आप याद रह जाएगा इससे, टू फॉस्टर का मतलब लालन पालन करना, ए होमलेस चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे का लालन पालन करना जो बेचारा क्या था, जिसके कोई घर बार नहीं था, उसको हम कहेंगे टू फॉस्टर ए होमलेस चाइल्ड। तो फॉस्टर का मतलब समझ में आ गया आपके, फॉस्टर चाइल्ड से कर लेंगे, ब्रिंग अप से याद कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा, एक वर्ड है सस्टेन, कौन सा वर्ड है, सस्टेन, वही देखो, टू हेल्प करना इसका मतलब होता है, असिस्ट इसका भी असिस्ट मतलब होता है, इनकरेज इसका भी इनकरेज मतलब होता है। ये जो वर्ड है आप इसको याद कर लीजिएगा बस, शकर होता है, SUCCOR, शकर, इसका मतलब हेल्प होता है, HELP, हेल्प, कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये इस वर्ड दे देंगे सकर, और सकर का मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। तो इस वर्ड को आप जरूर याद रखेंगे, सकर सपोर्ट याद कर लेना, याद रह जाएगा। सकर से क्या याद करना है, सपोर्ट याद करना है, सकर से याद करना है, सपोर्ट याद करना है, तो याद रह जाएगा। उसके बाद में न्यूरिस, अभी नरिस क्या बोलेंगे इसको, न्यूरिस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नरिस बोलेंगे, मतलब तो फीड करना, फीड, FEED, फीड, ध्यान रखना फूड वर्ब है, FOOD, आप सब जानते हैं। ये जो फूड वर्ब है ये क्या है, नाउन है, और जब इसकी वर्ब बनाएंगे तब क्या बनेगा, ये फीड बनेगा। बच्चे को क्या करवाई जाती है, फीडिंग करवाई जाती है, फीड का मतलब होता है किसी को भोजन वगैरह देना, फीड होता है। सस्टेन, वही हेल्प होता है। न्यूट्रीफाई, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, बोलेगा न्यूट्रीफाई, न्यूट्रीफाई का न्यूट्रिशंस देने की जो प्रक्रिया होती है, पोषण देने की जो प्रक्रिया होती है, साइंस वगैरह के बच्चे जानते हैं कौन सा वर्ड न्यूट्रिशन वर्ड होता है, उसी से वर्ब बनाई हुई है न्यूट्रीफाई, क्या वर्ब बनाई हुई है, न्यूट्रीफाई। तो ये वर्ड थे हमारे, एंटोनम्स पढ़े हमने, लेकिन नाम ही एंटोनम्स का किया बेटा हमने, क्या नहीं छोड़े, सिनोनिम्स भी नहीं छोड़े, और भी सेंटेंसेस के यूज़ भी नहीं छोड़े हमने, बहुत शानदार सेशन हमने ये किया। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, दूसरा जो इसका सेगमेंट है वो आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। आज हमने एक क्वेश्चन नहीं लिया है, आज हमने दो या तीन क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं दो लिए हैं या तीन लिए हैं। आप लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है बेटा, सब लोग वीडियो को बहुत अच्छा लाइक कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जब आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हो, जब आप लोग अच्छे से इसको लेते हो, बहुत सारे लोग इसको देखते हैं, आप लोग शेयर करते हो,
तो निश्चित रूप से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं एक क्वेश्चन की बजाय कितने क्वेश्चन लेता हूँ, फिर दो क्वेश्चन लेता हूँ। अभी देख लो, जितना मोटिवेशन आप मुझे देंगे उतना ही मैं ज़्यादा करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। इसलिए अच्छे अच्छे कॉमेंट करें और सब लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों ने अभी भी लाइक नहीं किया है, मैंने कहा तो था कि बीच में नहीं कहूँगा, लेकिन कह देता हूँ एक बार, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, अभी फटाफट शेयर कर दें अभी। और इसको जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें। अब आते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ द डे। ओनली द ब्रेव डिजर्व्स, ओनली द ब्रेव डिजर्व, पहले तो यही समझ लो, द ब्रेव के साथ डिजर्व आएगा या डिजर्व्स आएगा, डी ई एस ई आर वी ई एस, क्या आएगा ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओनली द ब्रेव डिजर्व्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है एस एस सी सी जी एल टायर सेकेंड 2013 में आया हुआ है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के नीचे ऑप्शन देखिएगा, पहला वर्ड है फेयर, दूसरा वर्ड है फ्लेयर, तीसरा वर्ड है फ्लेयर और चौथा वर्ड है फेयर। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है एफ ए आर ई, एफ एल ए आर ई, एफ एल ए आई आर और एफ ए आई आर, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि इनके मीनिंग क्या हैं। जब मीनिंग आपको समझ में आ जाएंगे तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखो पहला क्या है, पहला है फेयर, एफ ए आई आर, फेयर होता है कॉस्ट या प्राइस, फेयर किराया नहीं होता क्या, बस में अपन फेयर देते हैं तो किराया होता है, फेयर का मतलब होता है कॉस्ट या फिर प्राइस, कीमत या किराया जो होता है वो एफ ए आर ई होता है, याद करने की बात है, एफ ए आर ई फेयर होता है। उसके बाद देखिए आप फ्लेयर, एफ एल ए आर ई, फ्लेयर का मतलब होता है फ्लेम, फ्लेम का मतलब ज्वाला नहीं निकलती, आग की जो लपटें लगती हैं उसको फ्लेयर कहते हैं, एफ एल ए आर ई फ्लेयर, इसका मतलब होता है फ्लेम। या फिर अचानक सडन आउट ब्रेस्ट, अचानक कोई चीज़ फूट पड़ती है, जिस तरह से कोई आदमी अचानक रोने लग गया, इमोशंस जो हैं भावनाएं जो हैं अचानक फूट पड़े तो उसको भी क्या कहते हैं, फ्लेयर कहते हैं, एफ एल ए आर ई कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बेटा उसको भी, फ्लेयर कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों आपको समझ में आ गए। ओनली द ब्रेव डिजर्व्स, सिर्फ बहादुर लोग डिजर्व करते हैं, किराया क्या नहीं, फ्लेम क्या नहीं, इसका मतलब ये दोनों आंसर इसके नहीं हो सकते, हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते। उसके बाद देखिएगा फ्लेयर और फिर होता है फेयर, एफ एल ए आई आर, फ्लेयर का मतलब होता है टैलेंट, टैलेंट आप सब जानते ही हैं, आप सब भी बहुत टैलेंटेड हैं, जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं सब के सब बहुत टैलेंटेड हैं, तभी तो देख रहे हैं। और एप्टीट्यूड होता है, एक टैलेंट होता है और एक क्या होता है, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या होता है बेटा, एप्टीट्यूड का मतलब होता है अधिसमता, किसी काम को करने की आप में स्किल्स हैं। आप सब लोगों में बैंकिंग, एसएससी, एयरफोर्स और नेवी में जाने का क्या है, एप्टीट्यूड है आप लोग सब लोगों में, क्या है, एप्टीट्यूड है। इसका मतलब आप लोगों में क्या है, फ्लेयर है, यू हैव फ्लेयर टू बी सेलेक्टेड इन, सेलेक्टेड टू एसएससी, एसएससी में सेलेक्ट होने का आपका क्या है। तो ये वर्ड हमने देख लिया फ्लेयर, ये भी यहाँ फिट नहीं है। फिर फेयर, ये होता है जस्ट या ऑनेस्ट, सिर्फ बहादुर लोगों को क्या मिलना है, न्याय मिलना है, ओनली द ब्रेव डिजर्व फेयर, एफ ए आई, फेयर का मतलब न्याय या जस्ट होती है। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या जाएगा, फेयर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, निश्चित रूप से अच्छा भी लगा होगा, देखो मज़ा आना चाहिए आपको क्लास लेके, बहुत मज़ा आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि सर जी क्या बात है मज़ा आ गया, तो उसको कहते हैं क्लास लेना। बाकी अगर बोर हो रहे हैं तो फिर क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है। अब अपन समझते हैं एक बात और इसमें, ये देखिएगा, ये तो ठीक है क्या, डिजर्व या फिर इसमें डिजर्व्स आना चाहिए, ये बात आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है कि डिजर्व आना चाहिए या डिजर्व्स आना चाहिए। और ये क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे समझ लो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि द ब्रेव सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। यदि द ब्रेव सिंगुलर है, कैसा भी एकवचन है, तब तो इसके साथ क्या आना चाहिए, एस लगना चाहिए। और यदि द ब्रेव बहुवचन है, ये प्लूरल है, तब ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये क्वेश्चन आप मुझे
जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोग कितना इंग्लिश ग्रामर को जानते हैं, आप लोगों की तैयारी किस लेवल की है। ऐसा तो नहीं है कि एग्ज़ाम आ जाए और हमारी तैयारी अच्छे लेवल की नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मैंने इसमें लिख दिया, आप लोग इसकी PDF ले लेना ताकि आपको हमेशा के लिए आपके पास रहे। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, यू कैनॉट लूज वॉट यू हैड। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC CGL 2013 में पूछा हुआ है। इस तरह के भी कई वर्ड होते हैं, एक होता है LWS लूज, ठीक है, एक होता है LOWS लॉस, ठीक है। ये जब हम वापस कभी इनको देखेंगे तो आपको बता देंगे। वैसे देखो इसका मतलब खोना होता है, लॉस, ठीक है। उसके बाद में लूज, ये होता है ढीला, जिसको लूज बोलते हैं, लूज नहीं लूज बोलेंगे इसको। और ये लॉस होता ही है, ये नाउन होता है लॉस, नुकसान, ये ढीला होता है और इसका मतलब खोना होता है। यू कैनॉट लूज वॉट यू हैड, वंस जो आपके पास एक बार था, ऑलवेज जो आपके पास हमेशा होता है, जो आपके पास हैव हैड ये तो होना ही नहीं है, जो आपके पास कभी नहीं था। बताओ क्या आएगा इसमें, हैं क्या आएगा बताओ। अरे ये तो छोटा बच्चा मेरे पास बैठा है एक, उसने इसका आंसर दे दिया है। क्या आना चाहिए इसका, नेवर आना चाहिए। तो आप लोग तो देंगे देंगे इसका आंसर। क्या कहना चाह रहे, देखो यू कैनॉट लूज, आप वो खो ही नहीं सकते, वॉट यू नेवर हैड, जो आपके पास पहले कभी था ही नहीं, उसको कैसे खोओगे जो पहले कभी नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नेवर। अब देखिएगा आप लोग आपकी तैयारी किधर बढ़ रही है, आपके लिए वर्ड्स को याद करना कितना जरूरी है, शब्दों का सही यूज करना कितना जरूरी है, SSC किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछती है, एडिटोरियल कितना आवश्यक है, ये सब चीज़ें आपको इन क्वेश्चन से पता चलती है, पुराने क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज हमने आप लोगों के लिए दो नहीं भी, कितने क्वेश्चन लिए हैं, 3 क्वेश्चंस लिए हैं। और यदि आप लोगों ने और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, और ज़्यादा लाइक्स आए, और ज़्यादा लोगों तक आपने शेयर किया, तो हम इसको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, मोटिवेशन मिलता है मुझे भी इससे। अब ये देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये कब आया हुआ है, CHSL 2000 कब आया हुआ देखिएगा भैया, 14 में आया हुआ है ये क्वेश्चन, 14 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन देखो, द प्रिस्ट, प्रिस्ट का मतलब पुजारी होता है, वॉज इनोसेंट, प्रिस्ट क्या था, इनोसेंट था, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, निर्दोष, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम या फिर क्या है, निर्दोष होता है। और इसका अपोजिट जो वर्ड होता है वो क्या होता है, गिल्टी होता है, GUILTY, गिल्टी, याद कर लीजिएगा। इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो क्या होता है, गिल्टी होता है इनोसेंट का। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, कहना क्या चाह रहा है, द प्रिस्ट वॉज इनोसेंट, प्रिस्ट इनोसेंट था यानी निर्दोष था, ही कुड नॉट प्रूव इट, वो उसको प्रूव नहीं कर पाया। ये कंजंक्शन का क्वेश्चन है भाई, तो क्या आएगा इसमें, इसमें क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बट आना चाहिए, क्योंकि बट जो कंजंक्शन होता है वो ऑपोजिट को जोड़ने के काम आता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं इसको। जब हम आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे ग्रामर की क्लास में तब बताएंगे, इसको एडवर्सेटिव कंजंक्शन कहते हैं। बट का प्रयोग हमेशा दो ऑपोजिट नेचर के सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। कैसे देखिएगा, जैसे आई वर्कड हार्ड, मैंने हार्ड वर्क किया, और यदि आप अनफॉर्चुनेटली फेल हो गए तो आप क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे, बट आई फेल्ट, ठीक है। और यदि पास हो जाते तो एंड आई पास, तो एंड और बट एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, बट आ जाएगा, एंड नहीं आएगा, एंड और सो एक दूसरे के सिमिलियर माने जाते हैं। तो ये थे हमारे ग्रामर के क्वेश्चंस, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं। और हमारा दूसरा सेगमेंट भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। पहले में हमने एंटोनम्स देखे, दूसरे में हमने देखा, देखे क्वेश्चंस देखे ग्रामर के, अब तीसरा और भी बहुत शानदार सेगमेंट है, ये क्या देखिएगा, कॉमन एरर्स ऑफ द डे। आज बेटा हमने कॉमन एरर भी दो लिए हैं, एक की बजाय कितने, दो देखिएगा, कॉमन एरर्स ऑफ द डे, कहाँ इसमें एरर है ढूंढने की कोशिश करते हैं, एरर कहाँ है। लिखा हुआ है आफ्टर टेस्टिंग, आफ्टर का मतलब बाद में, टेस्ट, देखो एक वर्ड होता है, एक तो टेस्ट TASTE टेस्ट, और एक होता TEST टेस्ट,
ये टेस्ट, TAST वर्ड होता है, और एक होता है TEST टेस्ट, ये तो होता है जांचना और ये होता है किसी का स्वाद चखना, टेस्ट। आफ्टर टेस्टिंग बॉथ, दोनों को टेस्ट करने के बाद जॉन प्रीफास टी देन कॉफी, पूछा एरर कहाँ है, आपको हम बता दें कि प्रीफर जो होता है इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, टू आना चाहिए, क्या आना चाहिए प्रीफर के बाद में, टू आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, देन नहीं आना चाहिए, प्रीफर के बाद में देन नहीं आता है। आपको इसके साथ साथ और भी चीज़ याद रखनी चाहिए, सीनियर के साथ भी क्या नहीं आता है, SENIOR, सीनियर के बाद भी टू नहीं आता है, सॉरी देन नहीं आता, क्या आता है, टू आता है, सीनियर टू, जूनियर टू, JUNIOR, जूनियर के साथ भी टू आता है। तो ये दोनों वर्ड याद रख लेना आप लोग, बस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा कॉमन एरर के, बहुत बार एरर्स के यहाँ पूछे जाते हैं, प्रीफर के साथ हमेशा क्या आता है, बोलिएगा प्रीफर के साथ क्या आता है, टू आता है, याद हो गया, प्रीफर के साथ दो वर्ड और कौन से लिए हमने अभी लिए, फटाफट बोलिएगा कौन से, सीनियर वर्ड लिया है, सीनियर के साथ भी क्या आएगा बोलो, टू आएगा, जूनियर के साथ भी क्या आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, जूनियर के साथ भी टू आएगा, ठीक है, फटाफट जूनियर और सीनियर के साथ एक एक सेंटेंस बनाएंगे कमेंट बॉक्स में, किसके साथ, एक जूनियर के साथ और एक किसके साथ, सीनियर के साथ, क्या लगाएंगे उनके साथ, टू लगाएंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो पहले में जो एरर था वो ये था, उसके बाद देखिएगा क्या एरर है, यू मस्ट आइदर पे द बिल, या तो आपको बिल चुकाना चाहिए एडवांस तुरंत, एल्स रिटर्न द गुड्स इमीडिएटली, या फिर आप रिटर्न कर दें, क्या कर दें, गुड्स सामान को रिटर्न कर दें इमीडिएटली, यानी क्या कर दें, या तो आप अभी पैसे चुकाएं या फिर क्या करें सामान वापस करें। तो इसमें एरर कहाँ है देखिएगा, बताता हूँ मैं एरर कहाँ है इसमें, यू मस्ट कोई एरर नहीं है, आइदर भी एरर नहीं है, मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए, ये भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पे के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए द बिल, ये भी ठीक है, एडवांस तुरंत, एल्स नहीं आना चाहिए, आइदर जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्या है, कोरिलेटिव जिनको कहते हैं, दो साथ साथ चलते हैं, पेयर्स में चलते हैं, जिस तरह से आइदर के साथ क्या आना चाहिए बोलो भाई, आइदर के बाद हमेशा और आना चाहिए, नाइदर के साथ हमेशा नोर आना चाहिए, नो सूनर के साथ हमेशा देन आना चाहिए, तो ये पेयर्स में चलने वाले हैं, ऐसे एरर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी तो पूछा हुआ ही है कहीं कहीं, देखो SSC CGL टायर फर्स्ट 2014 में पूछा हुआ है। इस तरीके से आप पुराने क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपके समझ में आएंगी चीज़ें कि कितनी आसान चीज़ें हैं और कितनी आसानी से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज हमने ये दो क्या किए, कॉमन एरर के दो क्वेश्चन भी कर लिए। अब आता है idiom ऑफ द डे, एक सेशन में वो सभी चीज़ें जो आपको SSC एग्जाम पास करवाने के लिए ज़रूरी हैं, एक ही सेशन में वो सारी चीज़ें हम डालने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि YouTube पे ये बेस्ट सेशन है, और बेस्ट सेशन को ट्रीटमेंट भी बेस्ट मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा लोगों को इसके द्वारा देखा जाना चाहिए, बहुत सारे लोग देखने चाहिए इसको, और ये जिम्मेदारी आपकी है। idiom देखिएगा ये क्या है, बहुत शानदार idiom है भी आज का, ये कब आया हुआ है पहले तो ये देख लो आप लोग, ये SSC CGL टायर फर्स्ट 2012 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है इसको देखिएगा, जस्ट कीप योर विग ऑन, ये मुहावरा है, जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राउट, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। आपको क्या रखना है, जस्ट कीप योर विग ऑन, अपनी विग को ऑन रखें। तो इसका मतलब देखो क्या है, पहले आप सोल्व करने की कोशिश करो इसको, ये आपका टेस्ट पेपर भी हो सकता है, हर क्वेश्चन को आप खुद सोल्व किया करो, पहले आपको आता है कि नहीं आता उसके बाद में फिर मिलान किया करो, वीडियो को रोक के देख लिया करो। होल्ड ऑन योर विग, अपनी विग को पकड़े रखना, सो दैट इट वॉन्ट फॉल ऑफ, ताकि गिर नहीं जाए। गेट अनदर हेयर कट, फिर से बाल कटवाना। काम डाउन, शांत रहना। टेक ऑफ योर विग, टेक ऑफ यानी उतारना होता, अपनी विग को उतारना।
तो इसका मतलब क्या हुआ, काम डाउन हुआ, शाबाश, मेरे पास एक छोटा बच्चा तुषार बैठा है। तो वो इसका आंसर देके बड़ा खुश हो रहा है कि नहीं नहीं देखो मैंने इसका आंसर दे दिया। आप लोगों ने भी आंसर दिया होगा तो आपको भी बड़ी खुशी हुएगी, क्योंकि सही आंसर का एक अपना जुनून होता है, अपना उसका मज़ा आता है और कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए क्वेश्चन को पहले आप सोल्व करने की कोशिश किया करो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। शांत रहना होता है इसका, काम डाउन का मतलब क्या होता है, शांत होना, गुस्सा शांत करना। तो इसका क्या हो गया, जस्ट कीप योर वीक ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, बस आप तो शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बहुत शानदार मुहावरा हमने देखा। एक और देखते हैं, सी कीप्स हर होम, वो अपने घर को रखती है, स्पीक एंड स्पेन, SPIC के स्पीक एंड स्पेन, क्या रखती हुई अपने घर को, वो वेल फर्निश्ड, अच्छे से फर्नीचर लगा हुआ, क्लीन एंड टाइडी, सुंदर और साफ सुथरा, अनटाइडी, गंदा और क्लोज्ड, बंद। तो स्वाभाविक सी बात है, क्या आना चाहिए इसका, क्या आना चाहिए, क्लीन एंड टाइडी आना चाहिए, अपने घर को सुंदर रखती है। तो स्पीक एंड स्पेन का मतलब होता है क्लीन एंड टाइडी, साफ सुथरा रखना। वो अपने घर को क्या रखती है, साफ और सुथरा रखती है। तो ये हमारा दूसरा idiom था। दो idioms आज हमने याद कर लिए हैं। पहला कौन सा याद किया, एक बार रिकॉल कीजिएगा। इससे पहला क्वेश्चन कौन सा देखा था हमने, रिकॉल कीजिएगा, मैं वहाँ तक नहीं ले जाने वाला हूँ इसको, स्क्रीन को आप याद कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा क्या याद किया था, आया याद है कि नहीं आया। ये था हमारा क्वेश्चन, ये देखिएगा, कीप योर वेक ऑन, यदि आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो उसके बाद हम देखते हैं आज की द हिंदू वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ये सेशन हमें, देखो बेटा संडे को द हिंदू नहीं आता है, आता है तो उसमें एडिटोरियल नहीं आता है, इसलिए आज का एडिटोरियल नहीं है। एडिटोरियल के बजाय हमने एक और अच्छा तरीका अपनाया है, कौन सा, कि द हिंदू के किसी सेंटेंसेस को लेंगे, एडिटोरियल के दो या तीन सेंटेंसेस को लेंगे, उनमें से अच्छे अच्छे वर्ड्स को ढूंढेंगे, उसकी ग्रामर को सीखेंगे, उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे दो सेंटेंस को। और वो आज का जो सेंटेंस है वो ये है, बताना आपको ये कैसा है तरीका, ताकि हम आगे से इसको कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। ये द हिंदू, आज के द हिंदू से एक सेंटेंस लिया है मैंने, और सेंटेंस क्या है, इंडिया एंड चाइनीज आर्मी, भारतीय और चाइनीज की जो है, चाइना की जो आर्मीज हैं, देखिए दो को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं, और एंड का प्रयोग कर दिया गया, इंडिया की और चाइना की दो आर्मी हो गई, इसलिए इसको क्या किया गया है, प्लुरल यूज़ किया गया है, आर्मी, ARMY, वाई हटा के क्या लगाया हुआ है, IES लगाया हुआ है, आर्मीज, ठीक है। तो दो वर्ड हमारे पास आ गए, भारत और चाइना की आर्मीज ऑन सैटरडे, ऑन का प्रयोग दिन और दिनांक के लिए किया जाता है, तो ये ऑन सैटरडे आ गया। हेल्ड, होल्ड की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने रखी, क्या रखी, हेल्ड रखी, क्या रखी, लेफ्टिनेंट, ये स्पेलिंग को याद रखना भाई, लेफ्टिनेंट जिसको हिंदी में कहते हैं, कई बार एग्जाम में आती है स्पेलिंग, लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, इस स्पेलिंग को याद रखना, बहुत बार पूछी जाती है। हमने सेंटेंस सेलेक्ट किया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें सेलेक्ट की हैं, ताकि आप लोगों को एक ही सेंटेंस में ऐसी फीलिंग आए कि सर क्या बात है, कितनी सारी चीज़ें एक ही सेंटेंस में आपको हमने बता दी हैं। आर्मी ऑन सैटरडे हेल्ड लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक्स, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की स्तर की बात का आयोजन किया, हेल्ड टॉक्स, बात की, देखो टॉक, TALK, टॉक यानी बातचीत करना भी टॉक होता है, वहाँ वो वर्ब होती है, और टॉक्स TALKS टॉक्स, यहाँ ये क्या है, नाउन है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत हुई, इन देयर फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट, उनके पहले प्रयास में, देयर किसके लिए आया है, यहाँ दो थी, इंडियन आर्मी और कौन, चाइनीज आर्मी, प्लूरल है इसलिए प्लूरल के लिए क्या आया, देयर आया, एरर में क्या हो सकता था, इट्स हो सकता था, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया देयर फर्स्ट, उनका पहले मेजर अटेम्प्ट, पहले मुख्य प्रयास के रूप में उन्होंने क्या किया भाई, बातचीत का आयोजन किया, कब, सैटरडे को किया, टू क्या करने के लिए, टू रिजॉल्व,
रिजोल्व का मतलब होता है गतिरोध दूर करना, रिजोल्व का मतलब होता है समस्या का समाधान करना, द मंथ लॉन्ग महीने भर से लंबे स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, महीने भर के गतिरोध को दूर करने के लिए कहाँ, इन ईस्टर्न लद्दाख, कहाँ भी गतिरोध ईस्टर्न लद्दाख में, ऑफिशियल सोर्सेस सेड, ऐसा किसने कहा, ऑफिशियल सोर्सेस ने कहा। तो इसका ट्रांसलेशन समझ में आया आपके, ये सेंटेंस हमने द हिंदू से लिया है। देखिए पूरा एडिटोरियल भी करवाएंगे हम आपको, लेकिन आज एडिटोरियल है नहीं, इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है, आपको बताना ये है कि ये तरीका ठीक है क्या, इस तरह से आपको सेंटेंस वाइज समझाया जाए, पूरे एडिटोरियल को एक साथ नहीं, एडिटोरियल को इस तरीके से बांट लिया जाए सेंटेंसेज में और फिर उनको समझाया जाए कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा। देखिएगा अब इसमें क्या क्या वर्ड मिले हमें नए, एक बार ट्रांसलेशन फिर देख लो। भारत और चाइना के आर्मीज ने क्या की, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता आयोजित की, कहाँ, अपने पहले प्रयास में, इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट, अपने पहले प्रयास में, किसके प्रयास में, महीने भर के लंबे जो गतिरोध थे उसको दूर करने के पहले प्रयास में इंडिया और चाइनी की आर्मी ने बातचीतों का आयोजन किया, कहाँ किया, ईस्टर्न लद्दाख, ऑफिशियल सोर्सेज, ऐसा ऐसा कहा हुआ है। अब देखो वर्ड क्या है इसमें, वो देखो पहला वर्ड है रिजोल्व, रिजोल्व का मतलब होता है सेटल, टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, सोल्यूशन ऑफ नहीं होता है, क्या होता है, सोल्यूशन टू होता है, सेटल करना मतलब सल्टाना किसी चीज़ को, रिजॉल्व, और फाइंड अ सोल्यूशन, सोल्यूशन ढूंढना टू ए प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का, और एक कंटेंटस मैटर, विवादित मुद्दे का, कंटेंटस का मतलब होता है विवादित मामले का हल ढूंढना, उसको कहते हैं रिजॉल्व, क्या कहते हैं बेटा, रिजॉल्व कहते हैं। एग्जाम्पल और देखिएगा, द क्राइसिस वॉज रिजॉल्व बाय द निगोसिएटर्स, क्राइसिस का मतलब होता है आपदा का समाधान किया गया, रिजॉल्व बाय द निगोसिएटर्स, निगोसिएटर्स का मतलब बातचीत करने वालों के द्वारा, द क्राइसिस वॉज रिजॉल्व, तो रिजॉल्व का मतलब होता है समाधान निकालना। इसके सिमिलियर वर्ड देखिएगा, रिजॉल्व का सिमिलियर वर्ड होता है सेटल करना, शॉर्ट आउट नहीं कहते हैं कि हमने उसका शॉर्ट आउट कर लिया अभी, शॉर्ट आउट, तो SORT शॉर्ट आउट करना होता है, सोल्व करना होता है रिजॉल्व, और रिकनसाइल होता है, इस वर्ड को ढंग से देख लें बस आप, ये वर्ड कई बार एग्जाम में आता है रिकनसाइल, ठीक है, वापिस झगड़ा वगैरह हो जाता है उसको वापिस मनाने को वर्ड क्या कहते हैं, रिकनसाइल कहते हैं। दूसरा जो वर्ड है इसमें वो कौन सा है, स्टैंड ऑफ है इस सेंटेंस में, दूसरा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो कौन सा है, ये देखो स्टैंड ऑफ है, मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है गतिरोध, क्या होता है इसका मतलब, गतिरोध होता है। इसके भी वर्ड सारे ही देख लेना भैया, बहुत अच्छे वर्ड है, डेडलॉक होता है ये, डेडलॉक का मतलब क्या, गतिरोध होना। दूसरा जो वर्ड है वो है स्टेलमेट, STALEMET, स्टेलमेट, ये भी गतिरोध होता है। इम्पास, IMPASS, इम्पास का मतलब भी गतिरोध होता है। और स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल मतलब एक ही जगह रहना, न बात आगे खिसकना न पीछे होना, उसको भी स्टैंड स्टिल कहते हैं। तो कुछ वर्ड्स थे इसके सिमिलियर वर्ड्स, आपको याद करने चाहिए। उसके बाद देखिएगा, सी लॉक्ड हरसेल्फ, सेंटेंस लिखा है हमने इसका, आपको याद रह जाए, सी लॉक्ड हरसेल्फ इन द हाउस, उसने अपने आप को घर में कैद कर लिया, बट आफ्टर ए ब्रीफ स्टैंड ऑफ, लेकिन थोड़े से गतिरोध के बाद, आफ्टर ए ब्रीफ स्टैंड ऑफ, थोड़े गतिरोध के बाद, पुलिस कन्विंस्ड हर, पुलिस ने उसको कन्विंस किया, कन्विंस यानी मनाना होता है, पुलिस ने उसको मना लिया टू कम आउट, कहाँ आने के लिए, बाहर आने के लिए, कोई महिला है झगड़ के अंदर चली गई, तो थोड़े से गतिरोध के बाद भी, ब्रीफ स्टैंड ऑफ, थोड़े से गतिरोध के बाद ही समस्याओं का क्या हो गया, समाधान हो गया, ये आप कर लेंगे। इसमें एक सेंटेंस और लिखा भाई हमने आज, ये भी द हिंदू का सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखिएगा क्या है, इन उड़ीसा COVID-19 इन्फेक्शन में रीच इट्स फोर्थ स्टेज, उड़ीसा में COVID-19 का जो इन्फेक्शन है, मे रीच, मे मॉडल है, और इस मे का मतलब होता है संभावना, किसी चीज़ की संभावना बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, मे रीच, पहुंच सकता है, इट्स फोर्थ स्टेज, कहाँ पहुंच सकता है, अपने चौथे स्टेज पे पहुंच सकता है, फोर्थ स्टेज पे पहुंच सकता है, दिस मंथ, इस महीने, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम इन्फेक्शन एज
मैक्सिमम इन्फेक्शन इज अप्रिहेंडेड इन दिस मंथ, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिहेंडेड, अप्रिहेंडेड का मतलब होता है शंका जताना, किसी चीज़ को शंका जताना, यानी कोई चीज़ आपके मन में समझ आ जाना कि यार ऐसा होने वाला है, आपके मन में ऐसा होने वाला, उसको अप्रिहेंड कहते हैं, डर होना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की शंका होना, उसको कहते हैं अप्रिहेंडेड कहते हैं, उसको अप्रिहेंड कहते हैं दिस मंथ। तो इसके लिए एक नया वर्ड था अप्रिहेंड। अप्रिहेंड के दो मीनिंग होते हैं, एक अरेस्ट करना भी अप्रिहेंड होता है, ARREST, अरेस्ट, जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो द थीप वॉज अप्रिहेंडेड, हम ऐसे लिख सकते हैं द थीप, THIEF, द थीप वॉज अप्रिहेंडेड। अप्रिहेंडेड का मतलब अरेस्ट करना होता है। ये देखो हमने लिखा आपके लिए यहाँ, अरेस्ट, कैच, कैप्चर, सीज। और एक अप्रिहेंड का मतलब होता है समझना, कंप्रेहेंड, रियलाइज, महसूस करना कि ऐसा होने वाला है, रिकग्नाइज, पहचाना, और डिसान, अपने मन में ऐसी बात आ जाना, समझ जाना, उसको क्या कहते हैं, डिसान कहते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा क्या था, एडिटोरियल था। चीज़ें आप लोगों को कैसी लगी, कितनी समझ आई, निश्चित रूप से हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, और अपने सभी साथियों तक इसको साझा कीजिएगा। जो जो बच्चे एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, SSC बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन सब तक ये पहुंचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।